हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सही, ये जो की है ना भाई, ऑल न्यू के टी एम एडवेंचर 390 स्पोक व्हील वाले जो है मॉडल की है। एंड ये जो मॉडल अभी मार्केट में आ चुका है, अभी रिसेंटली जो है लॉन्च किया है। एंड पहले जो है ये आता था लाइक इसमें अलॉय व्हील वगैरह थे, ट्यूबलेस टायर थे, बट इसके अंदर जो है स्पोक व्हील्स हैं, बट ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलने वाले। आपको पता है लाइक स्पोक व्हील्स में जो है पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो चेंज मिलेगा वो स्पोक व्हील्स का ही देखने मिलेगा। एंड यहाँ पर जो सबसे पहले की मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, जैसे ही की मैं लगाता हूँ तो ये फ्रंट की जो डी आर एल्स है वो ऑन हो जाती है। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, एलईडी लाइट वगैरह लाइक पूरा जो है एलईडी में ही आपको देखने को मिलेगा। एंड इंडिकेटर वगैरह भी जो आपको एलईडी में ही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यूएसडी सस्पेंशन है डब्ल्यू पी के अपने, और यहाँ पर जो है प्लास्टिक का जो है पार्ट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रखा गया है। फ्रंट में जो है आपको हैंडल सेक्शन टायर मिलेगा जो कि 19 इंचज़ का है। एंड स्पोक व्हील्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यूएसडी सस्पेंशन आपको मिलते हैं, ड्यूअल चैनल एबीएस है, इधर देख सकते हो, इधर भी एबीएस है पीछे भी, तो ड्यूअल चैनल एबीएस यहाँ पे आपको मिलेगा। काफ़ी बड़ा जो है डिस्क फ्रंट में यूज़ किया गया है, उसमें ब्रेकिंग वगैरह जो आपको अल्टीमेट मिलने वाली है। उसके बाद साइड में जैसे ही आऊँगा तो भाई यहाँ पे जो है 14.5 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है। एंड ये जो है ब्लैक एंड जो है ऑरेंज में आपको मिल रही है, तो इसमें और भी कलर आते होंगे बट फिलहाल जो है ये कलर अपने सामने। तो इसमें जो है के टी एम पूरा ग्राफिक्स में यहाँ पे 390 लिखा गया है, तो कुछ इस तरीके का पूरा टैंक आपको देखने मिलेगा। साइड में जो है ये गार्ड्स वगैरह जो है यूज़ किए गए हैं, नीचे अपना पूरा इंजन काउल वगैरह है, और ये फ्रंट फुटरेस्ट है, ये रियर ब्रेकिंग है, ये अपना मेन इंजन है। इंजन पे आऊँ तो इंजन जो है सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, वही 390 cc का 43.5 PS की पावर देता है। 6-speed का गियरबॉक्स है, लिक्विड कूलिंग के साथ में आता है, माइलेज जो है लगभग 25 से 30 तक की आपको दे देगी। एंड टॉप स्पीड वगैरह भी जो है 150 के करीब जो इसकी है, सो अच्छी खासी जो है टॉप एंड भी आपको मिलेगी यहाँ पे। बाकी फ्रंट से जो है कुछ ऐसी दिखती है, बड़ा सा रेडिएटर यहाँ पे है, और नीचे से जो है आपको अंडर बॉडी में जो है मेटल का भी यूज़ देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है अच्छी खासी आपको मिलेगी। उसके बाद पीछे जो है एडजस्टेबल जो है सस्पेंशन देखने मिलेगा, ये देख रहे हो आगे जो ये पेच आपको मिल रहा है ना, ये तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड वो जो है आपको पहले नहीं मिलता था, तो वो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जॉस्ट जो है पूरा यहाँ पर लगाया गया है इसका, और पीछे की साइड में जो है ये कुछ ऐसे फुटरेस्ट यूज़ किए गए हैं। सीट के ऊपर आऊँ तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है, सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ तक लाइक यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक इतनी लंबी सीट है कि जो राइडर है वो तो कंफर्टेबली बैठेगा ही बैठेगा। जो पीछे पिलियन है ना उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे रखी गई है। स्प्लिट ग्रैब रेल्स है। उसके बाद पीछे जो टायर है वो 130 सेक्शन का है, बट ये 17 इंचज़ का जो है टायर यहाँ पर है। और पीछे भी जो है ABS है, तो रिंग आप देख सकते हो, डिस्क है, स्पोक व्हील पीछे भी है, एडजस्टेबल जो है सिंगम दिया गया है एल्यूमिनियम का। ये एग्जॉस्ट है इसका, और टेल लाइट जो आप देख सकते हो LED टेल लाइट यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे जो लाइट है ना ये वाइट लाइट आती है नंबर प्लेट के लिए जो कि यहाँ पे विजिबल है, और LED इंडिकेटर है पीछे भी। अगेन यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह जो है दिया गया है जो कि मैंडेटरी है, तो वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस बाइक में भी एंड उसमें भी, जितने भी बाइक्स है सब में वो देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे रेडी टू रेस का जो है स्टिकर लगाया गया है। पीछे जो है कोई भी कुछ खास स्टिकर नहीं है, सिर्फ कलरिंग की गई है। एंड साइड स्टैंड आपको मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड इसके अंदर है नहीं, तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ में आता है। 6-speed का गेयरबॉक्स इधर आपको देखने को मिलता है, और पूरा जो है यहाँ पे आई थिंक ये कूलेंट वगैरह कुछ तो है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे दिखेगा आपको। बाकी इंजन कंपार्टमेंट पूरा ऐसा दिखता है, सस्पेंशन भी जो है दोनों तरफ से दिख जाएगा, इधर से जो है सीट वगैरह ओपन कर सकते हो। अभी आऊँ इसके सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पे E20 की स्टिकरिंग है, मतलब जो है इथेनॉल से चलने वाली है, 20% इथेनॉल आप डलवा सकते हो। ये इसका TFT कंसोल है, ये सारे बटन्स है, तो हाई बीम आप देखो, ये जो है सारे कंट्रोल इसके MID के हैं। यहाँ पे इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न है, एंड यह इग्निशन का बटन दिया गया है। तभी जो है न्यूट्रल है, तो एग्जॉस्ट साउंड जो है सुनते हैं। सो ये थी इसकी एग्जॉस्ट साउंड, काफ़ी तीखी जो है साउंड है। एंड यहाँ पे आप लोग देखो 12 वोल्ट का एक सॉकेट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई भी जो है चार्जर इसमें लगा सकते हो एंड फ़ोन वगैरह जो है इजीली चार्ज हो जाएगा। ये जो है मैट में रखा गया है पूरा पार्ट, जो टैंक है ना ये पूरा आपको मैट में देखने को मिलेगा। अभी जो है ना हाइट इस बाइक के लिए होनी चाहिए लगभग आपकी 5'7" के करीब 5'7" 5'8", जिससे आप परफेक्टली लगे इसको चला पाओ। उससे नीचे है तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पैर ना टिके, क्योंकि मेरी जो ऑलमोस्ट 6 फिट है, एंड प्रॉपर बोलूँ ना तो मेरी भी जो AD है ना वो उठी हुई है भाई थोड़ी सी दोनों तरफ, तो वो सीन है। यदि मेरा एक पैर पूरा अच्छे से टिक जाता है ना तो ये सिर्फ टच ही होएगा, बस वो बात है। तो 5
9, 5, 10 तो मान के चलो भाई, यदि आपको अच्छे से जो है चाहिए तो, और यदि आपको आती है बाइक चलानी, यदि आप इससे सीख रहे हो ना, फिर तो आपकी अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद फ्रंट में जो है ना, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो है एडजस्टेबल सस्पेंशन। अभी आपको देखने को मिलेंगे, देख रहे हो यहाँ पे जो है ये क्लिप्स दी गई है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो उसके सस्पेंशन को। ये पूरा अपना हैंडल बार है यहाँ पे, एंड ये अपना मीटर, मीटर के अंदर जो है फीचर्स वही है जो पहले आते थे। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लाइक सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी। जैसे ही मैं किल स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर गियर इंडिकेटर है, ये आरपीएम मीटर है, ये फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर, स्पीडोमीटर, ये सारे इंडिकेटर्स हैं साइड में। ये नीचे जो है राइड, एबीएस, एमटीसी, ये सब जो आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो राइड मोड इसके अंदर जो है स्ट्रीट अभी लगा हुआ है। एबीएस जो है रोड लाइक, एबीएस को भी जो आप ऑफ कर सकते हो। एमटीसी यहाँ पे दिया गया, उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये सारी सेटिंग जो है जैसे आप सेट पे क्लिक करोगे ना, लाइक सेट पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पे राइड मोड जो है चेंज कर सकते हो, मोटरसाइकिल में जाके या फिर जो है राइड मोड में जाके आप। ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है, सेटिंग्स में जाके जो है यहाँ पे देखो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, डिस्प्ले थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, टाइम वगैरह, शिफ्टिंग लाइट वगैरह, ये सब कुछ, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो। राइड मोड में जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पे स्ट्रीट और ऑफ रोड दो मोड्स इसके अंदर है, तभी ऑफ रोड मैंने लगा दिया है। एंड यहाँ पे ट्रिप्स वगैरह आपको देखने मिलेगी, के टी एम माई राइड में जो है ऑडियो, नेविगेशन, पेयरिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब जो है अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हो, एंड यहाँ से सेट और जो है बैक कर सकते हो पूरा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी, बाकी माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह, वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो चलो यार, ये था इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड। एंड अभी बात आती है प्राइसिंग की, कि जो अपनी ऑलरेडी चल रही है लाइक 390, इसकी जो प्राइस है और इसकी जो प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस है, तो आपको बता दूँ लगभग जो है 30 से 40 हज़ार का डिफरेंस है। ये जो ऑन रोड जाएगी ना, लगभग 4,30,000 के करीब जो है ऑन रोड जाएगी। हो सकता है 35,000 भी चली जाए, क्योंकि एग्जैक्ट अभी ऑन रोड आई नहीं है, बट आइडिया मैंने आपको दे दिया कि 4 लाख जो है 30,000 के करीब जो है जाने वाली है। बाकी नॉर्मल जो है भाई 3,94,000 के करीब जो ऑन रोड पड़ती है, तो ये थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि ये रैली एडिशन आप बोल सकते हो इसको, तो वो सीन है। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, बट भाई देखने में जो काफ़ी गजब लग रही है, एक तरह जो पूरी ऑफ रोडर वाली फील आती है जब इन स्पोक व्हील्स को अपन देखते हैं ना तब। तो चलो यार, ये था कुछ आज की वीडियो में। गुड़गांव में किसी खरीदनी हो तो भाई राजीव चौक वाला जो अपना एमजी रोड का जो था ना शोरूम, वो सेक्टर 14 में आ चुका है, एंड लोकेशन गूगल मैप्स में है ही। तो आप लोग आओ, विजिट करो, एंड जो है बाय कर सकते हो। चलो यार, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।